Yes, good morning, students. Today we are going to start a new chapter, The Tiny Teacher. Now you know that we can learn things in life from any source. So insects, animals could also be our teacher. Here in this chapter we will see how we can learn from an ant. A very small ant could be source of learning. We can learn a big lesson of life. So we shall see one by one the slides. Now for instance, we will see here. What is the smallest insect that you have seen and the vices? Of course, is the fly. No, it's not. Is it mosquito? No, not. Worm? None of these. Is the ant. The ant is the smallest and the commonest. But it is the wisest. The story of ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior. यानि ants का जो जिंदगी है, उसको देखा गया है. लोग ने उसको pet की तरह रखा है और समझने की कोशिश की है. तो हमें विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये अध्ययन के बाद ये बात बताया गया इस चैप्टर में. So we know a number of facts about this tiny, hardworking, intelligent creature. एंड कैसे है, छोटा सा, टाइनी, हार्ड वर्किंग, मेहनती एंड इंटेलिजेंट क्रीचर. आप देखोगे कि उन लोग एक लाइन में जाते हैं, एक के बाद एक पीछे वगैरह, तो बहुत ही इंटेलिजेंट क्रीचर है. नेगेटिव दैट एंट हैज बीन यूजेस फीलर्स, यू नो दे हैव फीलर्स एंटीना. तो देखोगे एक दूसरे को सामने मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि उन लोग कुछ दे रहे हो. उनके आगे जो है पिक्चर में देख सकते हैं एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस टू देम. तो हकीकत में वो एक दूसरे से बात करने के लिए होता है वो एंटीना, उसमें से एक मैसेज पास होता है. सो दे डोंट स्पीक बट दिस एंटीना इज यूज फॉर गिविंग मैसेज. वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. ईच एंट ग्रीट्स ऑल अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग द फीलर्स. तो एक दूसरे को मिलते हैं और एक फीलर्स आगे एंटीना जो है वो टच करते हैं, इसमें एक दूसरे को मैसेज देते हैं क्या कहना चाहते हैं. देयर आर मेनी काइंड ऑफ एंट्स, द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक और रेड वंस. जो चीटी आपने देखा हो, एंट जो है ब्लैक और रेड हो सकते हैं. वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम. वेयर डू दे लिव? इन द कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स. तो कहाँ रहते हैं, तो उसके जो रहने का जो स्थल है उसको नेस्ट या एंट हिल कहते हैं. ईच हैज डिफरेंट रूम एंड पैसेजेस. तब चित्र में देख सकते हैं उनका अलग रूम ऑफ पैसेजेस होता है. लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन सम ऑफ दिस रूम्स द किड एंड प्ले एग्स, राइट. अदर्स आर नर्सरी फॉर द यंग वंस. तो आप देख सकते हैं चित्र में उनका अंदर कंपार्टमेंट है, ये एंट हिल है जहाँ पे एंट रहते हैं, उसके अंदर भी रूम्स है अलग अलग, राइट. सो जहाँ पे एक क्वीन जो है उनके जो बच्चे को रखा हुआ, और दूसरी जगह है नर्सरी, यानी कि जो ग्रब्स है, जो छोटे बच्चे हैं उसका ख्याल भी रखा जाता अंदर. वर्कर्स है रिजर्व क्वार्टर्स, बाकी जो वर्कर्स रहते हैं अलग अलग रूम में उनका भी क्वार्टर्स है. तो एक में क्वीन और उसके बच्चे, एक में वर्कर्स और आगे जो है सोल्जर्स होते हैं. वर्कर्स एंड रिसर्च क्वार्टर्स दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्चिंग फॉर फूड. वर्कर्स का काम क्या है, खाना लेके आना. क्यू नॉट उनके बच्चे ग्रब्स के लिए. सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड. और कई जो रूम है उसमें सिर्फ खाना स्टोर किया जाता है. सोल्जर्स एज सेपरेट रूम्स, और सोल्जर्स को अलग रूम है. तो देखोगे सबका अनदर अलग अलग रूम दिया गया है एंट हिल में. और क्यून जो है एक रूम में एग्स प्ले करते हैं, दूसरे नर्सरी से जो वो बच्चे का ख्याल रखते हैं, ठीक है, बच्चे का नाम ग्रब्स बोल सकते हैं. वर्कर्स है जो बाहर से खाना लेके आ सकते हैं, अलग लेके आते हैं. सम रूम स्टोर हाउसेस, और कहीं जगह से खाना रखा जाता है. फिर एक और है, वो है सोल्जर, यानी कोई अगर एंटीन में हाथ डालते हैं तो वो अटैक करते हैं, देयर सोल्जर. उनका अलग रूम है, देयर डिफरेंट रूम्स. Let's shift to the next slide. The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years.
की जिंदगी है 15 साल। इट इज अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर वेडिंग फ्लाइट। तो उनकी शादी हवा में होती है, उसको वेडिंग फ्लाइट कहा जाता है, और उसके बाद उनके पंख टूट जाते हैं, ओके काट देते हैं उनको खुद। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। समर के सीजन में उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, तब उन लोग फ्लाइट लेते हैं एंड दे मैरी इन द एयर सॉर्ट ऑफ थिंग। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोस आउट टू मीट अ मेल एंट और अ ड्रोन हाई अप इन द एयर। ठीक है, तो क्वीन जो है और मेल एंट दोनों का कंसुमेशन होता है हाई अप इन द एयर, और मेल एंट को ड्रोन कहा जाता है। ऑन इट रिटर्न टू अर्थ इट गेट रीड ऑफ इज थिंग्स। जब धरती पर वापस आते हैं तो उनके पंख नहीं होते हैं, और उसके बाद उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स ले करना है। एंड दस नथिंग बट ले एक्स। एक्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एक्स हैच होते हैं जैसे मुर्गी के जो एक्स हैच होते हैं ऐसे, और उसमें से ग्रब्स बाहर आते हैं। और सोल्जर्स का काम वो है, सोल्जर्स दे गार्ड देम। ओके नो वर्कर्स सोल्जर्स हाउस, नो सोल्जर फूड। तो सबका काम जो अलग अलग है, जो सोल्जर्स है वो वर्कर्स के रूम में नहीं जाएंगे, वर्कर्स या सोल्जर्स को में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सोल्जर्स का काम क्या है, तो प्रोटेक्ट करना एंड का एंड ग्रब के, और जो फूड सर्च करने का काम किसका है, वर्कर्स का। तो ऐसे नहीं होगा कि सोल्जर्स खाना लेने या खाना ढूंढने जा रहे हैं, ऐसे भी नहीं होगा कि वर्कर्स जो है डिफेंड कर रहे हैं ना, प्रोटेक्ट कर रहे हैं या बाइट कर रहे हैं किसी को जो हाथ डाल रहे हैं एंटेन में। सो दे डोंट टेक ईच अदर्स वर्क बट दे डू देयर ओन वर्क। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। अपना काम जो होशियारी से और बड़े धैर्य से करते हैं, हिम्मत से करते हैं। एंड नेवर फाइट ईच अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप, और आपस में लड़ते नहीं है कि मेरा काम बड़ा है तुम्हारा छोटा है वगैरह। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। वर्कर्स का रोल क्या है, सो दे फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर रेस्टिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो बार जो है हवा एक्सरसाइज सनशाइन के लिए ओके बच्चे को जो फीड करते हैं। टू और थ्री वीक्स लेटर ग्रब्स बिकम कॉकून एंड लाइफ विदाउट फूड और एक्टिव फॉर 3 वीक्स मोर। फिर जो ग्रब है छोटे बच्चे जो एंट के, वो 3 वीक के बाद कॉकून बन जाते हैं, उसके ऊपर एक शेल आ जाता है, सिर्फ वो फूड और एक्टिविटी कुछ नहीं करते हैं, और 3 वीक वो शेल के अंदर ही पड़े रहते हैं। हम पिक्चर में आप देख सकते हैं दे डेवलप अ शेल, ओके लुक लाइक एग्स। द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंट्स अपीयर। फिर जो शेल है एक की तरह वो टूट जाते हैं, और उसमें से क्या होता है जो एंट्स आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस है ना, जो कोकून्स है वो टूटते और उसमें से एंट्स निकलते हैं। नेक्स्ट टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। न्यू एंट्स लर्न द ड्यूटीज फ्रॉम ऑल एंट एज वर्कर्स सोल्जर्स बिल्डर्स। तो छोटे जो एंट है बड़े एंट से सीखते हैं कौन कौन से काम, वर्कर्स का काम, सोल्जर्स का काम और बिल्डर्स का। सो दिस थिंग आफ्टर 3 वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और थोड़े दिन काम करने के बाद उन लोग काम ढूंढते हुए भाग जाते हैं। एंटिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट फॉर सम अदर क्रीचर्स ऑल्सो। तो सिर्फ एंट के लिए नहीं, बाकी क्रीचर्स के लिए, जैसे कि दूसरे लोग भी इसके अंदर एंटिल नाम से रहते हैं, जो एंटिल है उसमें दूसरे भी आके रहते हैं। बीटल्स लिजर लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। ठीक है, तो ग्रीन फ्लाई आके रहता है, बीटल्स रहते हैं, और एंट्स के दूसरे जो ब्रीड है वो भी आते हैं। व्हाई डू एंट्स फ्रॉम द एलियन क्रीचर्स टू लर्न द नेस्ट फॉर सेवरल रीजंस। तो क्यों इन लोग रहने देते हैं है ना बार वाले को, जैसे कि दूसरे ग्रीन फ्लाई है, दूसरे ब्रीड ऑफ एंट्स हैं, दूसरे स्पीसीज हैं या बीटल्स है, इसका भी कारण है। सम व्यू ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू द एंट्स सेंसेस, अदर की स्वीट जोसेस, कई जो है फ्रेग्रेंस देते हैं, उनका जो स्मेल आता है कि उनको अच्छा लगता है। कई जो है स्वीट जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग लाइक कैट्स। तो कई जो है उसमें से जूस सिगरेट करते हैं जिनको अच्छा लगता है, और कई सिर्फ उनको प्लेथिंग्स देते हैं कैट जैसे, उनको घर हरा भरा रहता है, दैट्स ओनली इंटेंशन। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट काउ, द एंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। अब इसमें जो रहता है एक वन ऑफ देम इज ग्रीन फ्लाई, वो क्या करता है, तो एंट्स उनको ट्रेन करते हैं कि वो एक हनी ड्यू लिक करता है, मिल्क की तरह सीक्रेट करता है। विद द टच ऑफ द एंटीना द मिल्क इज जस्ट एस बीइंग अ काउ। तो एंटीना टच करने से वो सीक्रेट होता है और दूध की तरह होता है, जैसे हम लोग गाय के दूध पीते हैं वैसे हम लोग ग्रीन फ्लाई के दूध पीते हैं। कौन, एंट्स। हैव एंट्स, सॉरी, हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट्स हैव
ये सब देख के हमें ये लगता है कि हम लोग तो ये सब सीखा है उनसे। सर जहनौत जहनौत फॉर द लर्निंग टू गुड यूज, तो ये है कि हमने अपना लर्निंग को गुड यूज नहीं किया। देखो कितना टीम स्पिरिट है, कैसे अपना वर्क डिवाइड करके काम करते हैं और कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं। देयर स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर फॉर द यंग वंस, अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी, फेथफुलनेस टू द लैंड वेयर यू लिव। सबसे जो बड़ी बात है इनसे सीखने वाली है क्या क्या चीजें हैं, हार्ड वर्क, मेहनती, सेंस ऑफ ड्यूटी, कार्य के प्रति निष्ठा, डिसिप्लिन, अनुशासन, क्लीननेस, स्वच्छता, और अपने से जो छोटा है उनको, छोटे है उनको केयर करना, और सबसे बड़ी बात है लॉयल्टी, फेथफुलनेस, जस्ट वो स्वाभिमान के साथ अपने आप को वफादारी दे रहना उस जमीन में जहाँ पे आप रहते हो। इन दिस वे यू कैन सी दैट दिस चैप्टर एंड यू कैन लर्न मेनी थिंग्स एंड हाउ पेरेंट बिकम्स अ टीचर, सो इट्स कॉल्ड अ टाइनी टीचर। स्टूडेंट्स वी शैल नॉट समथिंग इन द गूगल क्लासरूम आफ्टरवर्ड्स, सो जस्ट यू कैन शिफ्ट टू द गूगल क्लासरूम एंड नोट डाउन द पॉइंट्स दैट इज रिटन देयर। हैव अ गुड डे।